हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम एक औषधि की खोज में निकले हुए जिसका नाम है अर्सो। किन्नौरी लैंग्वेज में इसे अर्सो के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी प्रसिद्ध है औषधि। हम आज उस औषधि की खोज में निकले हैं जो बहुत सारी चीज़ों में असरदार है। जैसे किसी को चोट लग गया, मोच आ गया या सिर दर्द हो गया, इन चीज़ों में काफ़ी असरदार है यह दवाई। दोस्तों देखिए, आप इन पहाड़ों में मिलता है ये दवाई। इन दवाई का पहचान करना बहुत ही आसान है। यह हर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और हम आज इसके बारे में आपको बताते हैं कि किस किस बारे में यह काम आता है। तो आगे बढ़ते हैं, उस दवाई के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए, इस लॉकडाउन की वजह से हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उस वजह से आज हम इस जंगल में आए हैं और आपको उस औषधि के बारे में बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं उस औषधि के पास। तो चलिए, वहाँ ऊपर देखो। देखिए, हमें वो औषधि मिल चुका है। काफ़ी करीब से दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, हमें वो औषधि मिल चुका है, आपके सामने ही है। कैमरामैन काफ़ी नज़दीक से दिखाइए इसे, हमारे दोस्तों को काफ़ी नज़दीक से दिखाइए। देखिए, इस औषधि का पहचान इस पत्तों से किया जाता है। काफ़ी आकार में काफ़ी बड़े होते हैं इसके पत्ते। इसे मैं आपको खोद के दिखाऊंगा कि इसका जड़ कैसा है। देखिए, काफ़ी अनोखा दवाई है ये। जो दवाई है, इसे पत्थर पे घिस के लेप बना के आप जहाँ चोट वाला जगह है वहाँ आप लेप कर सकते हैं इसका। देखिए, इसका जड़ काफ़ी लाभदायक है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले जिस औषधि के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था, ये वही औषधि है। इस औषधि को पहले आप सुखा कर पत्थर पे जिसके इसका लेप बना सकते हैं और जहाँ चोट है उस जगह पे आप लेप कर सकते हैं इसका। और ये इसका जो डाली होता है, इसको आप चबा के जिसका पेट दर्द है वो ठीक हो जाएगा। स्वाद में काफ़ी खट्टा है, इस वजह से थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है शुरू में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।